वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपने साइंस की और मैथ्स की कॉपीज़ को किस तरह से मेंटेन करना है, स्टार्टिंग पेजेस कैसे होंगे, इंडेक्स कैसे बनाना है और असेसमेंट के पेज को भी कैसे हमें बनाना है। फर्स्ट पेज होगा इंडेक्स और कॉपी के जो कवर होता है उसके इनर साइड पे आप अपना नेम लिख देंगे, नेम एंड क्लास। अब आती बात इंडेक्स आप कैसे बनाएंगे। देखिए इंडेक्स बहुत बेसिक सा है, इंडेक्स सीरियल नंबर, चैप्टर नेम, डेट, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस दिन आप कॉपी चेकिंग के लिए सबमिट करेंगे, रिमार्क और सिग्नेचर। रिमार्क वाला पोर्शन एंड सिग्नेचर वाला पोर्शन, इन दोनों पोर्शंस को आपको छोड़ देना है, यहाँ पर टीचर लिखेंगे और साइन करेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, पहला चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स और यहाँ पर डेट, लेट सपोज आप 19th को सबमिट कर रहे हैं तो ये हो गया। इस तरीके से आप अपने इंडेक्स को मेंटेन करेंगे। अगर आपने कॉपी बना ली है, इंडेक्स या असेसमेंट पेज के लिए आपके पास जगह नहीं बची है, तो आप सेंटर पेज को वहां से हटा के यहाँ पर स्टिक करेंगे और इस तरह से बना देंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा असेसमेंट वाला पेज, असेसमेंट बेस्ड एनालिसिस, ये हेडिंग होगी इस पेज की। इसमें क्या है, सीरियल नंबर, चैप्टर नेम और चैप्टर नेम के तुरंत बाद है यहाँ डेट, असेसमेंट, एवरेज, रिमार्क और साइन। रिमार्क का जो कॉलम है ये और ये जो साइन का है यहाँ पर भी आपको छोड़ देना है और रिमार्क को थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि टीचर को जो भी रिमार्क लिखना हो वो आराम से इसमें लिख सकें। अब आते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। देखिए सीरियल नंबर, जैसे आपने पहला चैप्टर है रैशनल नंबर आपने लिखा, उसके बाद यहाँ आप देख रहे होंगे तीन रोज हैं ये। अब लेट सपोज आपका पहला असेसमेंट हुआ, असेसमेंट बेसिकली टेस्ट है, हर चैप्टर के तीन बार टेस्ट होंगे। अब ये रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं या ओरल टेस्ट भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टीचर। जिस दिन जो टेस्ट होगा यहाँ पर उस दिन की डेट आएगी, जैसे यहाँ पे सेकंड टेस्ट है तो सेकंड डेट आएगी, ये थर्ड असेसमेंट है तो यहाँ पे उस दिन की डेट आएगी। अब लेट सपोज आपके फर्स्ट असेसमेंट में मार्क्स आए 10 out of 10, सेकेंड में आए 9 out of 10 और थर्ड में आ गए आपके 8 out of 10, ठीक है। तो अब इसका एवरेज क्या बनेगा आपका, इसका 9। इसी तरीके से हर चैप्टर का तीन बार असेसमेंट होगा, जैसे A1, A2, A3, 30th को, ठीक है, तो आपने ये डेट डाल दी। सेकेंड टाइम असेसमेंट हो रहा है नेक्स्ट मंथ में और थर्ड टाइम जब असेसमेंट होगा तो वो 3rd September को हो रहा है। अभी ये इमेजिनरी डेट्स हैं, इनको आप कंफर्म डेट्स मत मानिए। हर टेस्ट के बीच में आपके पास गैप होगा ताकि आप उसे सही से रिवाइज करके फिर से दे पाए, ठीक है। और ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, आपके रिपोर्ट कार्ड के जब बनेगा तो उसमें इन मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा हर एक चैप्टर का। आप अगर किसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको टेस्ट फिर भी देना पड़ेगा और आपका मार्क्स में हम एब्सेंट लेके चलेंगे, दैट इज 0, लेकिन टेस्ट आपको देना पड़ेगा उसके बावजूद। और अगर आप एवरेज में 50% से कम मार्क्स लेके आते हैं, जितने का भी टेस्ट हुआ उसमें 50% से तीनों को मिला के जो एवरेज निकलेगा अगर वो 50% से कम है तो आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, वो होगा R1, R2, R3 के लिए, जब तक आप रीटेस्ट में पास नहीं हो जाएंगे। रिमार्क्स और सिग्नेचर वाली जगह को मैंने जैसे पहले भी बताया आप खाली छोड़ देंगे, इसमें टीचर्स लिखेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो है कॉपी को कैसे आपको मेंटेन करना है। देखिए कई बच्चे बहुत लाइन छोड़ के लिख रहे हैं, प्लीज वैसे मत लिखिए। आपको ऊपर की जो ये ब्लैंक स्पेस जगह मिल रही है यहाँ पे अपने चैप्टर का नेम लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर है रैशनल नंबर्स, यहाँ पर आप अपनी डेट लिख दीजिए, लेट सपोज 16। अब यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में बिना कोई लाइन छोड़े आप एक्साइज नंबर लिखिए, एक्साइज 1.1। मान लेते हैं आप पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको इस क्वेश्चन को लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं वो फर्स्ट लेटर लिख देंगे जैसे व्हाट और डॉट 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 और फिर कोई भी लास्ट वर्ड उसका लिखा और क्वेश्चन मार्क बना दिया। ये करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस डॉट 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 से टीचर नहीं समझ सकता कि क्या लिखा होगा। तो जब टीचर को बुक से ही देखना है या टीचर को पता है कि क्वेश्चन क्या है तो फिर आपकी ये लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस क्वेश्चन नंबर डालिए, यहाँ पर आप लिखिए आंसर और यहाँ पे अपना आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं आपका 4 लाइन में आंसर आया तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको छोड़ें और उसके बाद फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। सीरियल नंबर गड़बड़ ना करें, बुक में जैसे लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में सेम वैसे ही,
मान लेते हैं हमने सोचा है कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे कॉपी में, तो आप क्वेश्चन नंबर फाइव डालिए और उसके नीचे उसका आंसर लिखिए और फिर चालू हो जाइए। कोई डबल लाइन नहीं खींचनी है आपको, वो जो आप डबल लाइन ड्रॉ करते हो वो आपको नहीं करना है। स्पेसेस आपको जो आप एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ते हो वो आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने पेज का आपको लेना है।